क्या बोलेंगे, सर्कुलर बोलेंगे, स्फेरिकल बोलेंगे या इलिप्टिकल बोलेंगे? स्फेरिकल यानी गोलाकार, इलिप्टिकल यानी अंडाकार, क्या बोला जाएगा? इलिप्टिकल। ये इलिप्टिकल गति है, हाँ, इलिप्टिकल मोशन है, इलिप्टिकल, अंडाकार अंडाकार। है। और ये अंडाकार वैसे यहां से कहीं से भी किसी पॉइंट से उठाएं, जैसे मान लीजिए यहीं पर ये एक प्लेनेट है, तो यहां से लेके ऐसे हम आगे बढ़े, ये पूरा एक चक्कर पूरा होगा तो 360 का पूरा होगा ना, 360 का। तो यही 360 जो हमारे हाँ। 12 राशियां होती हैं, ये 12 राशियां, एक राशि 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, तो 12 राशि 360 डिग्री, यानी पूरा ये यूनिवर्स आ गया 360 डिग्री में। तो जो प्लेसेडियस सिस्टम है जिसे आज हमें पढ़ना है, प्लेसेडियस सिस्टम और कृष्णमूर्ति पद्धति उसी पर बेस है, तो उसी के लिए मैंने ये फोटो निकाला कि आप इसको समझ जाएं। इलिप्टिकल मोशन जनरली हम बातचीत में ऐसे कह देते हैं कि वृत्ताकार, गोलाकार, गोलाई अलग है, वृत्त अलग है, स्फेरिकल अलग है, सर्कुलर अलग है, इलिप्टिकल अलग है, ठीक है? ये साइंस का बात है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी जी जानकारी यहाँ सर। होनी चाहिए। तो चूंकि ग्रहों की गति इलिप्टिकल होती है, इसी इलिप्टिकल मोशन पर हमारा प्लेसेडियस सिस्टम बेस्ड है, और वहां पे ये क्या बताता है, आइए हम देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं और हाँ। चला गया है, बैक हो गया, फिर से खोल रहे हैं उसको। ओके सर। स्क्रीन शेयर में एक विंडो से दूसरे विंडो पर नहीं जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। और देखिए दिख रहा है कुंडली, दिख लोड रहा हो है रहा है कुंडली, सर। कुंडली दिख रहा है? हेलो, नहीं, अभी तक नहीं आई सर, अभी लोड हो रही है। अच्छा नहीं लोड हो रही आई, नहीं आई कुंडली सर। है, मतलब आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, स्क्रीन शेयरिंग? हाँ, ये लिखा हुआ रहा है, कश्यप जीज हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयर। आ गई है सर। कुंडली दिख रहा है, कुंडली दिख रहा है, तो हम इसमें अब हाँ। आ जाते हैं। एक मिनट, ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके बगल में ये साउथ इंडियन कुंडली है। दिखेगा, क्लियर होगा तो, मतलब जहाँ प्रॉब्लम होगा वहां बोलिएगा, प्रॉब्लम हाँ। नहीं तो फिर प्रॉब्लम फंस जाएगा। नहीं दिख रहा है। बढ़िया, बिल्कुल सर। हेलो हेलो, अब हाँ सर, ये स्क्रीन भी नहीं दिख रहा रहा है, है। आ रही है दिख रहा सर, दिख रही है, है। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, बिल्कुल दिख रहा है सर। सारी और लेफ्ट साइड में जहां बर्थ चार्ट लिखा हुआ है, डिटेल्स डाला हुआ है, ये साउथ इंडियन चार्ट है। ये साउथ इंडियन चार्ट प्लेसिडियस सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है? प्लेसिडियस सिस्टम क्या कहता है, ये भावारंभ को बताता है, यानी जो भाव जितनी डिग्री पर स्टार्ट होगा जिस राशि में, उसी को यह बताता है। और यह नॉर्थ अच्छा इंडियन भाव मध्य को बताता है। भाव मध्य से मतलब है कि यह किसी भी 0 से 30 के बीच में किसी भी डिग्री से स्टार्ट होगा, लेकिन वह उसी राशि में बताएगा। और क्लियर करता हूं मैं यहां पर, पहले आप ये समझिए,
नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स होता है। नॉर्थ इंडियन जो कुंडली देखेंगे तो अभी जहां पे मैंने माउस रखा हुआ ये हाँ। पहला भाव है, तो ये किसी की भी कुंडली के लिए पहला भाव ही होगा, ठीक है। अभी जहां ये गया ये दूसरा भाव है, तो किसी की कुंडली के लिए ये दूसरा ही होगा, ये तीसरा होगा, यानी एंटी क्लॉक चलेगा। एंटी क्लॉक समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और राशियां बदलती हैं, जो नंबर्स लिखा हुआ है ये नंबर बदलता है, ये राशि का नंबर है, अलग अलग लग्न होगा, अलग अलग आप टाइमिंग लेंगे, तो किसी में यहाँ वन लिखा होगा, किसी में टू लिखा होगा, किसी में थ्री, किसी में फोर, किसी में फाइव, ठीक है। यानी नॉर्थ इंडियन चार्ट में आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि इसमें भाव फिक्स होते हैं, राशियां बदलती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम आपको बताएं, इसमें भाव एंटी क्लॉक दिशा में जाते हैं, यानी पहला भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए हमें एंटी क्लॉक जाना होगा, ठीक है। अब साउथ इंडियन में आइए, साउथ इंडियन में राशियां फिक्स होती हैं और भाव बदलते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। नॉर्थ में भाव फिक्स, राशि बदलता, और साउथ में राशि फिक्स, भाव बदलता, सीधा कॉन्सेप्ट उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने माउस रखा हाँ। हुआ है एक नंबर राशि, देखिए भेड़ का ऐसे साइन बना हुआ है, इसमें राशियों का नंबर नहीं लिखा रहता है, इसमें सभी हाँ। राशियों के ये मेष राशि है, ये वृष राशि है दो, ये मिथुन राशि, ऐसे, यानी यहाँ पे राशियों का क्रम क्लॉक वाइज होता है, घड़ी की सुई की दिशा में, समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। यानी नॉर्थ इंडियन चार्ट का जो हाँ। होता है इससे सीधा उल्टा साउथ इंडियन का होता है। नॉर्थ में भाव फिक्स, राशि बदलेगा और भाव एंटी क्लॉक चलेगा, लेकिन जब साउथ इंडियन में आएंगे तो राशि फिक्स होगा, भाव बदलेगा, और एक राशि से दूसरी राशि, तीसरी, हम इसमें ऐसे बढ़ने के लिए हमें क्लॉक वाइज चलना होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलना होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मनीष जी, कुछ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, इस नहीं सर, समझ में, नॉर्थ इंडियन चार्ट में हमने जैसे आपको बताया था अभी नॉर्थ में हमें कि ये हमेशा पहला भाव होगा, लेकिन साउथ इंडियन में आपको ढूंढना होगा कि पहला भाव कहाँ है। देखिए यहाँ पे पहले भाव की जगह पर एंसेडेंट लिखता है, ए एस सी दिख रहा है, ए एस सी, जहाँ पे मैंने माउस रखा है इसके ऊपर हाँ। तो ये पहला भाव तीन नंबर मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि और पहला भाव, यहाँ भी आप देख रहे हैं मिथुन राशि,